मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी अगेन। सो ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। सो अभी मॉर्निंग के 8 बज गए हैं एंड अभी जो है शिकारा राइड आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग होटल चले जाएंगे जहाँ पर पहले थे वहाँ पर चले जाएंगे एंड वहाँ पर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सुबह का जो नज़ारा है ना यहाँ का, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। सो ये तो वो डाइनिंग हॉल है जहाँ पे हम लोग, मैंने कल रात को आप लोगों को दिखाया था एंड सुबह का नज़ारा देखो, बहुत ही हल्का सा एक ठंडा हवा चल रही है, कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है ना। अभी यहाँ पे जो है हल्का हल्का सा धूप आ रही है, उसके साथ एक हल्का सा ठंडा हवा भी चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितना खूबसूरत है सब कुछ। पहले हम लोगों का ब्रेकफास्ट उस होटल पे जाके करना था, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया, वो जो शिकारा राइड से वो बहुत ज़्यादा लेट में आ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं ना, इसलिए यहाँ पर ही ब्रेकफास्ट का अभी इंतज़ाम किया गया है। वो लोग आ रहे हैं ब्रेकफास्ट लेके, देन हम ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, 8 बजे निकलने था लेकिन अभी 9:30 बज गए हैं। सो यहाँ पे फाइनली होटल से हमारी ब्रेकफास्ट आ गई है, देख सकते हो शिकारा राइड से ही इन लोग ये लोग लेकर आए हैं। डाइनिंग में चले जाइए। तो अभी हम लोग शिकारा राइड से वापस जा रहे हैं, लेकिन हम लोग होटल नहीं जा रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो श्रीनगर में घूमने वाले प्लेसेस है, ट्यूलिप गार्डन वगैरह, वो देखने जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं कल रात को आप लोगों को नहीं दिखा सकी, एक मिनट दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, जहाँ पर हम लोग कल रात को थे ना, मैं कह रही थी कि सुबह होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बिल्कुल ये जो नदी है, नदी के बीचों बीच ये छोटे छोटे से होटल्स है, इसके अंदर हम लोग थे, इनमें से एक के अंदर। अमर मुखे ही छाप लोग पड़ती হাই গাইস এই দিকে দিদি আর জিজু বলো মজা মাস মানে পাঁচ 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 তাইলে ওই কস কই দে। तो गाइज आप देख रहे हैं कि मैडम पूजा अभी रेडी हो रहा है अपना फोटो शूट के लिए। वो कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही है। तो शिकारा राइड से आने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन। तो श्रीनगर में जितने भी सारे साइट सीन्स है वो आज हम घूमने वाले हैं। तो पहले हम जाने वाले हैं ट्यूलिप गार्डन। फुचका खाने आए हैं यहाँ पर। बहुत दिनों से फुचका खाने का मन कर रहा था तो यहाँ पे दिख गया, तो टेस्ट करके देखेंगे कश्मीर में फुचका कैसे बनते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। भाई थोड़ा आलू दो, मसाला दो उसमें ज्यादा। हाँ नमक डालो। खाली पानी देने से क्या होगा, थोड़ा आलू वालू डालो।
आलू दो, नमक दो, पानी दो, फुचका। भैया ना कंफ्यूज्ड हो जाएगा आप लोगों के वजह से। सो अभी हम चल चल के जा रहे हैं, बहुत देर तक चल रहे हैं, थक गई हूँ मैं और हील्स भी पहन के आई हूँ। तो गाइस ये मैं दिखा रही थी, ये जो फूल है ना देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग ट्यूलिप गार्डन के अंदर आ गए हैं, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है और कुछ दिन पहले ही ये ओपन हुआ है, इतने दिन तक ये बंद था। ऊपर की तरफ अभी जा रही हूँ, दीपंकर और जीजू तो चले गए हैं, मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि हील्स पहनी हुई हूँ। एक सेकंड, देखिए कितने खूबसूरत से फूल है, चारों तरफ फूल ही फूल, बहुत प्यारा नज़ारा है। ये देखिए कितने सारे फूल है यहाँ पे, रंग बिरंगी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये कौन सा फूल है, बहुत खूबसूरत है। और सारे फूलों के सामने सामने इन फूलों का बोर्ड पे इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, जिस जैसे कि ये देखिए ये है क्या, ये किंग्स ब्लोड। अच्छा ये है इसका नाम किंग्स ब्लोड। फोटो क्लिक करवाने में बिजी है ये दोनों। कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा और जो ट्यूलिप फ्लावर्स है वो थोड़ा सा ना रोज फ्लावर के जैसा है, आप लोग अगर देख सकते हो तो मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, देख लो बहुत ही प्यारा है ये ट्यूलिप गार्डन। ये देखो है ना एकदम बिल्कुल गुलाब के जैसा, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल गुलाब के जैसा है ये ट्यूलिप फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत है। तोड़ के ले जाने का मन कर रहा है मुझे लेकिन नहीं हाथ दे सकती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, नहीं तो अगर धूप इतना ज़्यादा तेज़ ना होता ना तो हल्के हल्के ठंडी हवा भी बह रही है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अगर मुझे हम लोग तो कल रात को दूसरे होटल पे मतलब शिकारा राइड करके बोट पे वन नाइट रहे थे हम लोग, इसकी वजह से मैं कोई ड्रेस भी नहीं ला पाई उसी होटल पे, पहले वाली होटल पे सारे ड्रेसेस हैं मेरे, तो अगर मिलता तो मैं ये स्वेटर खोल लेती, हल्का फुल्का सा कोई टॉप पहन लेती। अरे बहुत हो गया, बस कर दे यार, बहुत हो गया, जल्दी कर। ये गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आप लोग घूमते घूमते चलते चलते थक जाओगे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कबाब खाने, आप लोग कश्मीर आओ और कश्मीरी शाक एंड कबाब ना खाओ तो आप लोगों का ना कश्मीर आना ही बेकार हो जाएगा। हम लोगों तो पहले ही डिसाइड करके आए थे कश्मीरी शाक और कबाब जो है वो ज़रूर खाएंगे, तो शाक तो हमने कल खा लिया, अभी कबाब खाने आए हैं। यहाँ पर जगह है, देखो पहले उस साइड पे देखो, सो लंच आ गया हमारा, हम लोगों ने ऑर्डर किया है ये चिकन बिरयानी, उसके साथ ये रायता है और ये चीज़ क्या है अभी मुझे नहीं पता है, और यहाँ पे जो है कबाब हमने ऑर्डर किया है, उसके साथ भी रायता दिया गया है एंड तवा रोटी।
गाइस अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहलगांव पे आए हैं और अभी मैं रूम पे जा रही हूँ। दीपंकर और मेरी दीदी सभी चले गए रूम पे, अभी मैं जा रही हूँ, जाके थोड़ा सा फ्रेश होंगी देन डिनर करने जाऊँगी, तो मिलते हैं बाद में। सो गाइस फ्रेश होके मैं डिनर नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा ठंड यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा पहलगांव और भी ज़्यादा ठंड है। और देखो मैंने यहाँ पे बेड हीटर भी ऑन कर दिया है, रूम हीटर भी चल रहा है, इतना ज़्यादा ठंड है फिर भी दो दो कंबल लेके बैठी हूँ, तो इस वजह से मैं डिनर नहीं करूँगी, सिर्फ एक चाय पी है, अभी मैं सो जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में छोटा सा जो बेल बटन होगा उसको भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।